नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। मैं आपको बता दूं कि यूपी में भारी सीटों से जीत के बाद पटना के स्थित भाजपा कार्यालय में काफ़ी उत्साह के साथ अबीर गुलाल लगाया गया और खुशियां मनाया गया। वहीं बीजेपी के बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लड्डू खिला करके एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है। क्या कुछ कहते हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, आइए सुनते हैं। देवेश जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, माननीय विधान पार्षद निवेदिता जी, पार्टी के प्रवक्ता अरविंद जी, हमारे मीडिया संतोष जी, निखिल जी, मीडिया प्रभारी अशोक जी, उपाध्यक्ष पिंकी जी, अजय यादव जी और सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि 2014 से उन्होंने जो गरीब कल्याण की नीतियाँ बनाई हैं वह इस चुनाव में एक जो कहते हैं कि सुनामी बन के उभरा है, वही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि दो वर्षों से कोरोना में जिस तरह से आर्थिक राजस्व की हानि हो रही थी, उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी गरीब कल्याण के लिए किसी कार्य में पीछे नहीं हटे और उसी का नतीजा है कि आज 40 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारी सरकार दूसरी बार दो तिहाई बहुमत से बन रही है। आज तक कोई सरकार 40 वर्षों से रिपीट नहीं हो पाई है। वहां पर हमारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दोनों प्रदेशों की सरकार दोबारा दो तिहाई बहुमत से बन रही है। गोवा में भी हम मेजॉरिटी ला चुके हैं और मणिपुर में भी हमारे दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। यह बताता है कि यह देश माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर कितना ज़्यादा विश्वास करता है। मैं माननीय योगी जी का भी आभार और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की नीतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग के वातावरण बनाने में, हाईवेज बनाने में और कानून व्यवस्था को इतना एक मजबूती दिया जिसके कारण पुनः हम दो तिहाई बहुमत से आने में सफल हुए। मैं साथ ही अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे लिए भी हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी हैं, सह प्रभारी एक तीन में से एक संजीव जी हैं और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पूर्वांचल की जिम्मेवारी हमें मिली थी, उत्तर प्रदेश के साथ जो सटे हुए इलाके थे, वैसे 115 विधानसभा की जिम्मेवारी मिली थी और उसमें भी हम 80 सीटों को जीतने में कामयाब हो गए हैं। और खास करके आज मैं अपनी महिला मोर्चा का भी धन्यवाद दूंगा, उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं और निस्वार्थ भाव से वो सब उत्तर प्रदेश में जब भी उनको हमेशा समय दिए और उसी का नतीजा है, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है कि हम इतनी बड़े बहुमत से जीत पाए हैं। और यह भी बताता है कि जो गरीबों का काम करेगा वही उस प्रदेश में राज करेगा। ये नारा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे भारत के भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आज होली भी है और दीपावली भी है और
हर गरीब का जो विश्वास मोदी जी ने जीता है उसकी परिणति है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। सर पंजाब चुनाव पर क्या बोलेंगे? पंजाब के नाम पर हमारा वहाँ कोई स्टेट नहीं था पर हमने सब जगह लड़ा। ऐसे तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए फोर पिलर लाइव से। मैं अनुज कुमार।